महिला के घर से दिनदहाड़े 1,26,000 रुपए का माल चुराने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 9 मार्च को घटना को अंजाम दिया था। सोमवार को तहसील पुलिस ने अदालत से महिला को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी महिला सत्यविजया उमराव नारनवरे वैशाली नगर निवासी है। वह लंबे समय से वह चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी, लेकिन पहली बार पुलिस के हाथ लगी है। आरोपी महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। महिला से चोरी का 5,40,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। महिला 9 मार्च को दिनदहाड़े गोलीबार चौक खापरे मोहल्ला निवासी कमल नामक महिला के घर में घुसी थी। उस समय कमल पड़ोस में ब्लाउज सिलाने के लिए गई थी। कमल ने सत्यविजया को घर की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो यह समझ बैठी थी कि संभवतः कोई मेहमान उसके घर में आई होगी। यह घर में कोई नहीं दिखाई देने पर वापस चली गई होगी। पश्चात कमल जब घर लौटी तो अलमारी खुली हुई थी। 1,26,000 रुपए के आभूषण गायब थे। कमल ने तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार सत्यविजया को रविवार को संदिग्ध स्थिति में जाते हुए गोलीबार चौक के पास गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरी करने से इनकार करने लगी, चूंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने उसके घर में तलाशी ली। घर में अलमारी में रखा चोरी का माल जब्त किया है। और भी प्रकरण उजागर होने की संभावना है। वरिष्ठ निरीक्षक तृप्ति सोनवने के मार्गदर्शन में निरीक्षक विनायक कोहले, परशुराम भवाल, संजय दुबे, सुनील कुशराम, संजय शाहू आदि जांच पड़ताल कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 134/22 भादवी 380 या कलमान्वये गुन्हा दाखल होता। गुन्हा 9/3/22 रोजी दाखल होता। यामध्ये आम्ही महिला नामे सत्यविजया उमराव नारनवरे 59 वर्ष वय आहे, राहणार LIG कॉलनी क्वार्टर नंबर 324 वैशाली नगर 5 पावली या महिलेला या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। महिलेच्या ताब्यातून ज्यावेळेला आम्ही तिला ताब्यात घेतलं त्यावेळेला गुन्ह्यात जी चोरीस गेलेली एक अंगठी आहे ती अंगठी आम्हाला प्राप्त झाली। त्यानंतर तिची कस्टडी घेण्यात आली। काल 1 दिवसाची कस्टडीनंतर तिच्या घरझडतीमध्ये आणि तिच्या ताब्यातून एकूण आम्हाला 5,39,800 रुपयाचा मुद्देमाल मिळून आला आहे। त्यापैकी प्रस्तुत आमच्या या गुन्ह्यामधला चोरीस गेलेला 1,26,000 मुद्देमाल, त्यामध्ये एक मंगळसूत्र आणि एक अंगठी असा संपूर्ण मुद्देमाल या महिलेकडून रिकवर करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।